आप गए ये बिजनेस लिखे आई रिस्पेक्टेड मीन कि आप कुछ भी बोल दो इट वॉज वेरी अनफेयर क्या हुआ दीपेंदर ने पैकेट उठा के क्वेश्चन आया पहला कि आपने 100% परसेंट नो आर्टिफिशियल लिखा है आपका सेकेंड इंग्रीडियंट इज ऑलिगो फ्रूटोज क्या होता है बताओ सबको इसका जी आई इंडेस जीरो होता है और शुगर का सिक्सटी एट होता है जैसे अनुपम बोल रहे थे अनफोर्चुनेटली अनुपम को आप चार से पांच साल मेहनत कर रहे हो और कोई ऐसे ही विदाउट नॉलेज आपको भी बता दे हैव एनी रिसर्च सब कुछ सोनी टीम को भेजा गया था अल्टीमेटली उन्होंने नहीं नहीं पूरा एडिट हो गया था वही उस पिच में ना ये क्लियर नहीं आया काफी एडिट हो जाता है ना सब दिखाया जाता है एक बात बताओ सेल्स बड़ी मेरा सेकंड डे स्पाइक वाज 11x सो दिस व्हाट यू वांट सुबह उठते से शुगर खाना इज इट गुड जब डायबिटीज आपको है तब आपको ये प्रोसेस्ड शुगर अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ उसी से आपका ब्लड लेवल स्पाइक होता है एक ब्रांड इन इंडिया में जिन्होंने पूरा मार्केट अपना स्टार्टिंग में बनाया फास्ट फूड ब्रांड है हेल्दी बोल के सबवे क्या वो हेल्दी होता है <laughs> <laughs> इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ

जिमिंग विम कर लेता था, था स्पोर्ट्स में आई वॉज वेरी एक्टिव वन फाइन डे फ्रेंड्स बैठे थे बोलते हैं चलो पथी कुछ करते हैं रनिंग स्टार्ट करते साइकिलिंग करते हैं मैंने चलो पहले दिन पे 19 किलोमीटर दौड़ा दिया मेरे को 19 कंटिन्यूस स्ट्रेच बोलता हैं पति यार हाथ तो हाफ कर सकते हो मैराथिन hmm. चलो ट्राई करते है एंड देन वी ऑल फ्रेंड्स स्टार्टेड एंड वंस इट स्टार्टेड इट्स नेवर एंडिंग आई हार्डली मिस माई रनिंग इन अयर मै यू आई ट्रैवल अ लॉट बट आई कैरी माई स्पोर्ट्स गेट्स एंड द बेस्ट वे टू सी अटी और एनी थिंग इज़ बाय रनिंग और बाय वॉकिंग तो रोज़ दौड़ते हो ऑलमोस्ट सिक्स डेज डिपेंड मैं फोर्टी टू की ट्रेनिंग चल रही है मेरी ये तो सिक्स डेज़ होता है सो इन अ वीक सेवेंटी फाइव टू एटी किलोमीटर्स एंड संडे इज ऑलवेज अ लॉन्ग रन एंड एवरी डे हम अ ड्यू रन एवरेज टेन टू एलेवन किलोमीटर्स टेन किलोमीटर्स एवरेज हो जाता है

एवरेज क्या होता है वर्ल्ड वाइड मैराथन से बोलने का फोर आर थर्टी मिनट्स में लोग फोर्टी टू किलोमीटर्स दौड़ पाते हैं hmm. और आप थ्री और थर्टी मिनट्स के आसपास है. दौड़ पाए कितने मैराथन दौड़ चुके हैं आप हाफ मैराथन मोर देन थर्टी ओके एंड फुल मैरास आर एट मैराथन एंड एट मैराथन ऑल इन इंडिया और अराउंड अराउंड मैंने एमस्टर्डम की <coughs> है मैंने बर्लिन की <coughs> है आई डन दुबई मैराथन अभी यह लंडन करूँगा ओके बट ओके टेलमी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज ये जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन की मेडनेस देखी थी जब मैं बॉस्टन ट्रैवल कर रहा था टू थाउजेंड एटीन में येस ओके एंड बॉस्टन में मैं एक बहुत ही सीनियर नाइकी के आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट उनसे बात कर रहा था एंड उन्होंने बोला था कि डी नो नंबर वन स्पॉट इन यू एस एंड मैंने उसे बोला कि अमेरिकन फुटबॉल राइट एन एफ एल होता है ये लाइक नो रनिंग रनिंग एंड का नंबर वन स्पोर्ट इज रनिंग सबसे ज़्यादा खर्चा लोग उस पर करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ लोग उस पर करते हैं सबसे ज़्यादा रिटेंशन भी उसी पर तो जो रनर है हमें से वही टारगेट करना है हमें और कोई स्पोर्ट टारगेट नहीं करना है एग्जांपल बॉस्टन इज अ टॉप इट्स वर्ल्ड्स नंबर वन रनिंगेट इन टू बॉस्टन आई नीड टू फिनिश एट माई एज एट फोर्टी टू आई नीड टू फिनिश इन थ्री ओ फाइव मतलब थ्री आवर्स एंड जीरो फाइव मिनट्स आई हैव टू डू वन मैराथन विच इज़ अप्रूव्ड वंस विद इन दिस टाइम पीरियड सो आई गेट क्वालिफाई फॉर बॉस्टन

लोग काफ़ी अब फोकस कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग ओके okay? लोग बोलते हैं कि वर्कआउट करें रनिंग करें साइकिलिंग करें बट आपका फूड हैबिट्स जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप फिट नहीं हो सकते हो आज मैं दस किलोमीटर हर रोज दौड़ता हूँ पर मैं समोसे खा रहा हूँ फुल दबा के खा रहा हूँ सुबह दोपहर शाम तीन हज़ार चार हज़ार कैलरी डालता हूँ नो वे वो आप वहाँ के वहाँ के रहोगे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होना है सो सेवेंटी परसेंट इज़ योर डाइट वॉट यू कंज्यूम राइट थर्टी परसेंट इज थिंग बट ऐसे नहीं बोलते हैं कि एटलीस्ट इंडिया में मैंने बहुत एंड फैमिली से कि सुबह सुबह वर्कआउट करो अच्छी कसरत करो बाकी सब खाओ कुछ नहीं होता है सीख खाना चाहिए मैं भी, सी, yes, yes, right. course, yeah, हाँ, कि आप कसरत करो दबा के और उसके बाद अच्छा खाओ कुछ नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खाओ सब खाओ खा सकते हो मैं भी खाता हूँ आई ऑल्सो फॉलो एटी ट्वेंटी रूल 80% आई हिट करेक्ट राइट ट्वेंटी परसेंट आई डू इट जंक्स ओके मैं समोसे भी खाता हूँ मैं अच्छा लगता है आई एम फूडी खाऊंगा ऑफ कोर्स उसके लिए तो जी एग्जैक्टली और गुजरात का गुजराती कोर्स करेंगे तो मैं भी खाता ही हूँ बट एवरी थिंग हैज़ टू बी इन मॉड्रेशंस और मैं बैलेंस आउट कर लेता हूँ सो आज मैंने समोसा खा लिया सुबह दोपहर को एक समोसा खा लिया शाम का मेरा सैलड होगा फिर तो ही होगा बैलेंस आउट अगर नहीं होता है सो ऑलवेज कैलरी इनटेक काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है मेरे लिए बींग अर फिटनेस फ्री मैराथंस करता हूँ एंड आई एम वेरी डेडिकेट टू अ मैराथन्स और इतनी मेहनत करते इतना पे करते तो ऑफकोर्स फोकस करना पड़ेगा hmm. अगर मैं दौड़ते रहूँगा और जंग खाते रहूँगा तो इट्स नॉट गोना वर्क ओके अब अब बिजनेस की बात करते हैं

बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली टिपिकल हमारा खाना ब्रेकफास्ट होता था भाखरीज एंड यू नो मक्खन के साथ चाय ये सब भी देगा पोहे होते थे ये सब बट फ्रेंकली स्पीकिंग लास्ट फोर ईयर्स आई एम नॉट गॉन माई ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ओके तो वहाँ पर हमने नैरो डाउन किया कि ये प्रोडक्ट में चलते हैं ओके okay, इंडिया के लिए आई वॉन्टेड टू गिव इंडिया बेटर प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट और हाँ अवेयरनेस काफ़ी कम थी दैट वॉज अ चैलेंजिंग फॉर मी बट मैंने मैं सोचा कि यार अच्छी प्रोडक्ट बना लेंगे अच्छी पैकेजिंग बना लेंगे शेल्फ पर बिकेगा पर नहीं होता ऐसा ओके सो दिस सेकेंड रिपार्ट बट उसके पहले ये बनता कहाँ पे था तो मेरे सामने जो प्रोडक्ट रखी गई थी वो जापानीज़ ब्रांड की कैलबी करके ब्रांड है कैलबी hmm. कैलबी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रनोला मैनुफैक्चर एंड सप्लायर है नॉट द कैलॉग्स नॉट द नेचर वैली और नॉट द नेस्ले ओके इट्स अ कैलबी ओके और जो मेरी प्रोडक्ट है मेरी बेंच जो प्रोडक्ट है इट्स अ कैलबी नॉट द कैलॉक्स जो फिट एंड फ्लैक्स के प्रोडक्ट्स है हुँ. तो टेक्निक कहाँ बनती है प्रोडक्ट्स तो मैं यूके गया मैं हफ़्ता रुका वहाँ पे उस फैक्ट्री में और मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स लिए दो तो तीन तीन दिन और सोचा कि नहीं यार ये टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग और इसको लाया जाए काफ़ी वर्कआउट किया काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट बना कैपेक्स काफ़ी लगा रहा था इसमें बट एज अंग ऑन्टरप्रीनर इन नई जनरेशन में लाइक मेरे को था कि नहीं यार कुछ अलग करना है लेट्स इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी लेट्स इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट और मे भी एक दो साल तीन साल स्ट्रगल करना पड़ेगा बट इसका रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा hmm. तो फाइनलाइजेशन किया और दो हज़ार अठारह से हमने फैक्ट्री डालना स्टार्ट किया और दो हज़ार उन्नीस एंड में हमारा पूरा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन से प्रोडक्शन सब खत्म हुआ hmm. हमने फर्स्ट प्रोडक्शन ट्रायल दिसंबर 2019 में लिया और हमारी ब्रांड लॉन्च के वक्त मंदिरा बेदी ने लॉन्च किया था इरफान पठान और पार्थिव पटेल ने लॉन्च किया था ये प्रोडक्ट्स विद द ब्रांड नेम फिट एंड फ्लेक्स hmm. और जैसे हमने जनवरी में डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया कोविड आया 2020 में अनफॉर्चुनेटली hmm. और टीम बढ़ गई ऑलरेडी सब हो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया सो काफ़ी चैलेंजेस आए तब तक पूरा होल्ड हो गया दो तब दैट वाज अ टाइम वेयर वी कैन ग्रो बट अनफॉर्चुनेट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था तो हमने सिर्फ अहमदाबाद से स्टार्ट किया थाने बोला चलो एक होम सिटी है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना तो नहीं था तो काफ़ी चैलेंजेस आए थे फिर वंस लॉकडाउन ओपन हुआ वी हैड टू गो ऑल आउट तो हम करीबन काफ़ी एग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया पूरे इंडिया में सब रिटेल आउटलेट्स में वहाँ पे वापस चैलेंज आई कि कोई मॉडर्न ट्रेड्स में लिस्टिंग नहीं कर रहा था जैसे कि हमारे मार्केट हमारे जो प्रोडक्ट्स है इट्स फॉर मॉडर्न ट्रेड्स ओके जीटी के लिए तो कम है तो ना कोई रिलायंस ना कोई डीमार्ट्स ना कोई बास कोई लिस्ट करने को तैयार नहीं था बिकॉज वो लोग काफ़ी बिजी थे अपने उस जो तीन चार पीरियड महीने का पीरियड में जब उन्होंने बड़ा बिजनेस किया देर बिजी इन स्मूदनिंग देयर ओन स्टफ्स और वर्किंग फ्रॉम होम था सबका तो इट वॉज बिट वेरी चैलेंजिंग फॉर अस टू रीच आउट टू दिस पीपल ट्राई टू कन्विंस दैम प्रोडक्ट टेस्टिंग प्रोडक्ट भी टेस्ट नहीं करते थे तभी तो कि भाई बाहर से आया हुआ ये hmm. huh. तो काफ़ी चैलेंजेस आए थे इस और देन ओसो वी सरपास दिस थिंग और हमने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जितना hmm. हो सके थोड़ा बढ़ाया तो वापस सेकेंड वेव आया और एक चैलेंज hmm. वापस सब होल्ड हुआ दो महीने तक एंड जब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन में चलना स्टॉप होना तो इट्स इट्स नॉट अ गुड साइन ओके लोग नहीं जा पाते स्टोर्स में आपका रिप्लेनिशमेंट नहीं होता है तो आपकी इमेज ख़राब होती है काफ़ी हुआ था हुँ. फिर थर्ड वे वापस सो फिट एंड फैक्स को क्लियर ग्राउंड मिला खेलने को जून 2022 में दैट वाज क्लियर ग्राउंड वी गॉट इन और एक चैलेंज हमारा थी कि हमने जब लॉन्च किया हमने एक ही प्रोडक्ट से लॉन्च किया जो था ग्रनोला ओके okay? क्रेनोला वॉज अ नीच फॉर दिस मार्केट दैट वी रियलाइज लिट एब इट लेटर ओके कि बहुत नीच है और वी वेट टू अर्ली फॉर दिस मार्केट तो हमने लगा कि नहीं हमको बास्केट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा एंड वी हैव टू कम डाउन टू तो अ प्रोडक्ट्स वीच आर ऑलरेडी मैच्योर्ड यहाँ पर एक्सेप्टेंस ज़्यादा है तो हमने फिर म्यूजली बनाई तो म्यूजिली को एंटर किया काफ़ी सारे फीडबैक्स हमको आते थे ग्रनोला बिकॉज थोड़ा स्वीटर साइड्स पे होता है तो इसको बोलते नमकीन में लेके आओ इंडिया में नमकीन भर भर के बिकता है तो बोलते इसको थोड़ा नमकीन स्पाइसी में लेके आओ तो हमने एक ओट ओल्टेज इनोवेशन किया जो हमने नमकीन में लॉन्च किया था जो जिससे ग्रनोला का एक बेस हमने यूज़ किया है उसको थोड़ा स्पाइसी कर दिया और उसको हमको ग्रनोला का नाम नहीं देना था बिकॉज ग्रनोला वर्ड इट्सैल्फ वॉज वेरी नीच लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो हमने इसको मल्टीग्रेन मिक्सचर्स करके इसको लॉन्च किया और काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस रहा तो वो लॉन्च किया और उसके बाद हमने अभी रिसेंटली मिनी बाइट्स करके एक यूनिक फॉर्मेट है ओड बेस्ड इंडेलिजेंट प्रोडक्ट है हुँ. वो लॉन्च किए एंड नाउ द जर्नी हैज़ बिन मूविंग अपवर्ड्स कि मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं बन पा रही थी अच्छा वो बनती नहीं है? नहीं वो लाइन ने जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए थी जो टेक्नोलॉजी पे ये प्रोडक्ट बनती है वो नहीं है सो so, हमारी जो यूनिक टेक्नोलॉजी हमारी है उसको बोलते हैं प्रोपराइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी ओके सो मोस्ट ऑफ द जो बेकिंग होता है वो अवेलेबल है यहाँ पे फैक्ट्रीज तो इसमें बेकिंग दो टाइप का होता है ओके okay. एक ऊपर से और नीचे से इज अ टू वे बेकिंग हुँ. जो हमने जो लाइन लाई है जो प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हो दिस इज़ वहाँ पे प्रोडक्ट ओवन में जाता है सर ट्वेंटी वन मीटर्स ओवन ओके स्मॉट स्मॉल ओवन ओके स्लो बेक ओवन ओके सो बेकिंग के अंदर जी प्रोडक्ट जाती है उसको थ्री सिक्सटी डिग्री बेक किया जाता है फ्रॉम ऑल द साइड्स तो अप एंड डाउन में नहीं होता हाँ अप एंड डाउन भी थ्री सिक्सटी भी होता है अप डाउन बहुत अप एंड डाउन नहीं होता है सारा, सारा होता, होता है ओके सो अप एंड डाउन में क्या होता है कि आपकी दो साइड से बाकी रह गई तो प्रोडक्ट आपको मॉइस्चर ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट आपको चूई लगेगी सो so, आप कोई भी सीरियल्स देख लो आपको वो चूई लगेगा थोड़ा आप बोल में डालोगे तो तुरंत सौगी हो जाएगा आप फिट एंड फ्लेक्स से प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो आपको क्रंची लगेंगे सो so यही तो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे बेकिंग 360 डिग्री होता है ब्रिंगिंग द मॉइस्चर टू द लोएस्ट लेवल एंड द मेनटेनिंग द क्रंच ओके और द यू एस पी हमारी यही है कि आप बोल में जब प्रोडक्ट डालोगे ना तब जब तक ये फिनिश नहीं करोगे तब तक ये क्रंच रहता है दैट्स द यू एस पी एंड ये अभी अवेलेबल नहीं था इंडिया में इंडिया में नहीं था तभी अभी है मेरे पास है आपके अलावा नहीं है सिर्फन फ्लैक्स के पास है ओके okay, तो अब अपन बिज़नेस का एक लेवल और आगे जाते हैं कि आप गए ये बिज़नेस लेके शार्क टैंक हम्म ठीक है तो क्या हुआ उधर सो so शार्क टैंक पे जाने का इंटेंशन मैं पहले बता देता हूँ सो फिट एंड फ्लैक्स को क्या हो रहा था कि एक अवेयरनेस वॉज हम्म ओके और मैंने पहले एक फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीज़न देखा काफ़ी सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं एज अ ब्रांड और फिलहाल क्या यूजनेस हमको क्या यूज़फुल हो सकता है hmm. तो को लगे दो चीज़ की जरूरत थी ओके फर्स्ट इज अ मेंटरशिप बिकॉज जो बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ और जो पाथ पे चल रहा हूँ इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड आई थिंक कोई एक शाख्स अच्छे मिल जाता है जो मेरे को गाइड कर सके इस जर्नी में देट वॉज द फर्स्ट थिंग जिनको ब्रांड बनाते आती है हाँ सेकेंड वॉज मार्केटिंग एंड मै लिस्ट वॉज थर्ड वॉज फंडिंग और तभी जून 2023 में फॉर्म आया रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ शार्क टैंक का एप्लीकेशन किया हमने पहला पेज पहला जो फॉर्म होता है वो आठ से दस पेज का होता है आस्किंग बेसिक डिटेल्स आपकी जब आप सिलेक्ट होते हो तो आप सेकंड राउंड में आते हो वहाँ पे करीब तीस पेज का ये फॉर्म होता है जहाँ बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एक वीडियो भी पोस्ट करना होता है जो आपका पिचिंग टाइप का होता है ओके okay. तो वो किया जाता है एंड देन इफ़ यू गेट सिलेक्टेड अगेन तो आप थर्ड राउंड में फ़ेस टू फेस ऑडिशंस के लिए आना पड़ता है hmm. तो मैंने बॉम्बे सेलेक्ट किया था तो मैं बॉम्बे आया था और एक सवा घंटे का अगेन वहाँ पे भी मेरा ऑडिशन चला था hmm. जहाँ पे तीन से चार बिजनेस एनालिस उनकी टीम होती है इट्स अ सिमिलर टू अ शार्क टाइम में जैसे देखते हो वही वो चीज़ होता है बट एट द इनर रूम लेवल और फिर अब आप आगे सिलेक्ट होते हो आपको उनको लगता है कि नहीं कुछ दम है ब्रांड में या प्रोडक्ट्स में दम है तो आपको शूट राउंड में ले जाते हैं और आई स्टिल रिम्बर आई वॉज़ फ्लाइंग फॉर बर्लिन मैं बर्लिन जा रहा था मैराथन करने के लिए hmm. और मेरे को कॉल आया कि आप शूट राउंड में सेलेक्ट हुए हो और आठ अक्टूबर का आपका शूट है और पाँच तारीख को आपको यहाँ पर पहुँचना है hmm. सो so ऑफकोर्स काफ़ी एक्साइटेड था बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बारी मिलती है और काफ़ी कम लोगों को मिलती है सो so, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ ये चल रहा था और पाँच अक्टूबर को मैं मुंबई आया फिल्म सिटी में हमारा सब चल रहा था बेस आगे का रियल सेल्स जो भी होता है और ईद को शूट आया और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नर्वस बिकॉज रहेगा ही बिकॉज फर्स्ट टाइम आप किसी इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हो आज से पहले कभी नहीं है। कभी नहीं किया मैंने बाहर नॉर्मल क्लोज रूम में भी किसी इन्वेस्टर के सामने पिच नहीं किया।, नहीं किया है सो फर्स्ट टाइम पिच था मेरा चालीस कैमरा लगे हुए हैं पाँच शार्क्स होंगे सामने तो ऑफकोर्स कोई भी बंदे को नर्वसनेस तो आने वाली है और सेकेंडली मेरे को एक मिनट पहले अंदर जाके बोलना पड़ा बुलाया था कि यहाँ पे खड़े रहना है यहाँ पर यह है मेरा बॉस बोलो ही नहीं मेरे को ना कैमरा देखना है कुछ नहीं मेरे को मेरे को पिच डिलीवर करनी है और वो सामने से बॉम्बार्डिंग होने वाला है उसको मेरे को रिप्लाई करना है तो पिच हुई और फिट एंड फ्लैक्स वॉज टॉक ऑफ द शार्क टैंक बोले कि आपकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी है कि पहले हमको खिलाना है फिर बातें करनी है ओके यूजुअली क्या होता है पहले बातें होती है पिचिंग होता है और फिर आपका देखो तो यूजुअली टेस्टिंग सेशंस ये सब होते हैं पर फिट एंड फ्लैक्स उन्होंने उल्टा किया था कि पहले खिलाते हैं फिर पिचिंग करते हैं स्टार्ट करें सो वो पिचिंग हुआ मेरा खिलाया विलाया और सबको टेस्ट पसंद आया सबको पसंद आया ओके okay. ओके okay. और उस टाइम पे क्या आपके दिमाग में कोई आइडियल शार्क था ऑफ कोर्स लाइक मेरे को थर्ड राउंड में पूछा गया था कि कौन से शार्क आपको चाहिए और क्यों चाहिए हुँ. तो मैंने वहाँ पे भी नाम दिया गया था किसका नाम दिया विनीता फर्स्ट ऑफकोर्स और मैराथन रनर है मैराथन रनर है वो सॉफ्ट तो थोड़ा थो रहेगा कॉर्नर सब कोई भी रन इसका बट मेन थिंग हो कि उन्होंने जो ब्रांड डेवलप की है एंड आई टेल यू कॉस्मेटिक इज टेस्ट इंडस्ट्री एफ एम सी जी में भी फूड से भी ज़्यादा इट्स अ टफेस्ट टू टू एंटर और मेक बिल्ड अ ब्रांड कलर कॉस्मेटिक हाँ शुगर कॉस्मेटिक जो उसने बनाया मतलब कलर एग्जैक्टली तो जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है इट्स कमेंडेबल ओके सो आई वॉन्टेड विनीता टू बी अ पार्ट बिकॉज वो कुछ एक्सपर्टीज ला सकती है मेरे बिजनेस में ओके okay, गाइड कर सकती है सेम वॉज विथ अमन उन्होंने डी टू सी ब्रांड बनाई बोट तो वो दोनों का एक्सपीरियंस चाहिए था और फिर टेस्टिंग सेशंस हुए थे पसंद तो सबको आया प्रोडक्ट नमिता ने बताया कि जेन्यूनली क्रंची एंड टेस्टी है यमी है बहुत अच्छा लगा एक चीज़ जब आई जहाँ दीपेंद्र ने पैकेट उठा के अनुपम को पीछे ले जाते हैं और कुछ बात चल रही है उनकी तो मैं समझ गया था कि बस कुछ होने वाला है या कुछ अच्छा होगा या बुरा होने वाला है hmm. और आप पिछले एपिसोड्स देखे होंगे मैंने भी देख के गया था तो हर एक फूड ब्रांड की यार बजाते तो है hmm. या सीधी सीधी तरह तो नहीं बजाइए बुरी तरह से ही बजाते हैं एंड hmm. मैं आई वॉज प्रिपेयर कि ये कुछ आने वाला है तो क्वेश्चन आया पहला कि आपने हंड्रेड परसेंट ऑनेस्ट नो आर्टिफिशियल स्वीटनर लिखा है और आपका सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ ऑलिगो तो ये क्या होता है हाँ तो मैंने उसका रिप्लाई दिया है क्या होता है बताओ सबको कि ऑलिगो फ्रुक्टोस ऑलिगो फ्रुक्टोस इज अ प्री बायोटिक डायट्री फाइबर विच इज नेचुरली डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और केन शुगर विद अ बायो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है तो जिसमें से ग्लूकोज का कंपोनेंट ज़ीरो किया जाता है और जो बचता है वो फाइबर रहता है तो इसलिए इसको प्री बायोटिक डायट्री फाइबर बोलते हैं उस प्रॉपर्टीज़ को दिस हेल्प्स यूर फॉर गट हेल्थ ओके okay? तो हमने वो यूज़ किया हुआ है तो ये शक्कर जैसा नहीं है शक्कर नहीं है जैसे जिया जी जी इंडेक्स जीरो होता है जैसे अनुपम बोल रहे थे कि शक्कर और इसमें ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्पाइक आता है हाँ तो गलत है अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनुपम जी को शार्क अनुपम को ये डिफरेंट पहले तो नहीं पता था कि ऑलिगो फ्रूटोज होता क्या है ओके okay? ओके okay. और सेकेंड थिंग कि उन्होंने जो बोला कि स्पाइक होता है वो भी गलत है थर्ड थिंग उन्होंने काउंट भी जो किया कि टोटल शुगर कितना होता है वो भी गलत था ओके okay? सो so, जब मेरे को पूछा गया मैंने उनका रिप्लाई दिया पर वो मानने को लिए तैयार नहीं थे वो नहीं माने दो बार समझाया उनको पर नहीं समझ पाए बताए तो ये शुगर ही है बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग तो डू यू हैव एनी रिसर्च और ऑफकोर्स मैंने मैंने सोनी टीम को भेजा था कि बॉस आपके पास कोई पेपर है रिसर्च है जो आप बोल रहे हो उसको प्रूफ करने के लिए कि अनुपम मित्तल ने जो आपको समझाया जो काफी सारे डालेंगे डालेंगे कुछ नहीं आपको देंगे हम आपको और साइंटिफिक एविडेंसेस है सेकेंडली जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो इंडिया की टॉप कंपनी बनाती है रेप्यूटेड कंपनी ओके क्या टाटा केमिकल्स ओके टाटा केमिकल्स बनाती है उनकी पेटेंटेड प्रोसेस है ये ओके उनके टेक्निकल डेटा शीट्स से लेके एफएसएसआई एफ के गाइडलाइंस से लेके सब डेफिनेशन से लेके सब कुछ सोनी टीम को भेजा गया था अल्टीमेटली उन्होंने नहीं निकाला और उनको जो एयर करना था वही किया है सो so, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओलिगो फ्रुक्टोज उसको एफ भी बुलाते हैं उसको फुल फॉर्म है फ्रुक्टो ओलिगो सैकेराइट्स जो एक प्रीबायोटिक डायट्री फाइबर है ना ही ये शुगर है ना ही आर्टिफिशियल स्वीटनर है ओके okay? ये है क्या अब आप देखो ये पैकेट उठाया था दीपेंद्र जी ने ये पैकेट उठाया था अनुपम को पीछे ले जाते हैं और उनको समझा रहे हैं ओके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हंड्रेड हंड्रेड परसेंट ऑनेस्ट नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यहाँ पे सेकंड इंग्रेडिएंट है ऑलिगो फ्रुक्टोस उसके बाजू में क्लियरली प्री बायोटिक डायट्री फाइबर लिखा गया है विच इज़ नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तो आपने ऑलिगो फ्रूट पढ़ा है तो आपने आगे प्री बाइडी डायरेट्री फाइबर नहीं पढ़ा ऑफकोर्स पढ़ा होगा पाँच मिनट इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन अ पैकेट तो आपने पढ़ा ही होगा तो आपको क्यों अननेसरी क्रिटिसाइज करना था अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड हैव एक्सेप्टेड वॉट आई सेड करेक्ट और कर... पता होता है तो यू शुड हैव आर्ग्यूड गुड जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्या है और लिखा गया हुआ है लिखा गया हुआ है प्री बायोटिक डायट्री फाइबर यहाँ पे भी लिखा गया है कंटेंस ऑलिगो फुटोस प्री बायोटिक डायट्री फाइबर ओके एंड यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है कि विथ एडेड प्री बायोटिक फाइबर्स तो ये क्रिटिज्म वहाँ पे आया था उसके बाद तो अनुपम जी ने बहुत बड़ा क्रिटिज्म स्टार्ट किया कि ये ये शुगर होता है स्पाइक होता है ये होता है इसमें स्पाइक नहीं होता है बिकॉज इसका जी इंडेक्स ज़ीरो होता है और शुगर का सिक्सटी एट होता है ओके okay? सो so, इसमें कोई भी स्पाइक का इश्यूज़ नहीं है और कोई भी आज प्रोडक्ट्स आज काफ़ी सारे ब्रांड्स फ्रूटो ऑलिगो सक्राइट्स अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती है आज सेम सेम प्लेटफॉर्म पे और एक ब्रांड आई थी डायबिक्स और ऐसा कुछ ब्रांड थी ओके okay. okay? उसने वो बर्फ़ी और ये सब बनाते हैं mm -hmm. उन्होंने यूज़ किया हुआ है और स्वीटनेस के कारण उन्होंने एफ यूज़ किया है ओलीगो फ्रूटोज ओके उनको कुछ नहीं हुआ

अनुपम जी ने एक ये पॉइंट तो रेस किया ना और एक रेस किया था बोलते कि ओट्स आर अनहेल्थी वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला ओट्स आर अनहेल्थ बोला ओट्स में ग्लूटेन होता है ओट्स में ग्लूटेन होता है तो ओट्स नमिता तो ने बोला नमिता जी ने कि यार पति आप प्लीज इनको बोलो कि ओट्स आर द मोस्ट हेल्थीएस्ट ग्रेन एंड अ नेचुरली ग्लूटेन फ्री ओके तो ये क्रिटिज्म और एक बढ़ डा रहा था वो खत्म हुआ ये एयर पे नहीं दिखाया अभी आता रुचा खत्म हुआ बोलते इसका काब्स बहुत होता है अनुपम ने बोला ये ये साथ, साथ में सब था तो विनीता जी ने उसको रिप्लाई दिया कि अनुपम क्या बात कर रहे हो आप हर एक प्रोडक्ट्स में काब्स होता है रोटी में भी होती है चावल में भी होता है और ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाया जाता है फॉर अ गुड काब्ज़ वो खुद एक मैराथन रनर है विनीता जी बोल रहे हैं और मैं भी खाती हूँ कॉम्प्लेक्स का मैं भी खाता हूँ ग्रनोला कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेस के लिए सो so, हर एक प्रोडीन में काब्स होते हैं और काब्स नहीं लोगे आप अकेले प्रोटीन पे नहीं जी पाओगे तो ये तीन क्रिटिसाइज क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने विच वॉज वेरी अनफेयर ओके जिसका कोई बेस नहीं था बेसलेस हाँ उसके बाद दीपेंद्र के पास आए दीपेंदर बोलते अनुपम ने जो बताया और आपने ईट हेल्थी लिव वेल लिखा है ईट हेल्थी, हेल्थी यहाँ पे कोई भी क्लेम हमने हेल्थी नहीं किया है मेरी टैगलाइन है ईट हेल्थी लिव वेल अब ईट हेल्दी लिव वेल आप क्या समझते हो आप मैं ये लिखा ईट हेल्दी लिव वेल इसका मतलब क्या होता है कि हेल्दी खाओ और लंबा जियो अच्छा जियो अच्छा जियो यही है मेरी टैगलाइन है कि हेल्दी खाओ और अच्छा जियो उनको ये प्रॉब्लम था दीपेंदर को कि आप सच बोल के बेचो हेल्दी नहीं हेल्दी करके बेचो ना ये तो क्या हुआ फास्ट फास्टर फास्टेस्ट हेल्थ हेल्दी और हेल्दीएस्ट वो डिफरेंस हर एक ब्रांड हर एक बंदे की हेल्दी की डेफिनेशन अलग होती है देर इज नो टर्म एग्जैक्टली फॉर अ हेल्थी हेल्थी रोड बट फॉर अ कंज्यूमर मैं उनका ओके okay, अनुपम मित्तल का जो पॉइंट था डैट मेरा मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं जी आई इंडेक्स समझ सकूँ या मैं ओलिगो फ्रुक्टोस किस टाइप का इन्ग्रीडियंट है और ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा ले जिससे कि मैं थोड़ा पीछे होता हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर है तो अनुपम जी ने जो बोला उससे मैं थोड़ा सा बाहर हूँ लेट just पुट दैट कि वो ऑडियंस को छोड़ देते हैं ऑडियंस जज करेगी वो सही था कि गलत था आप जो बोल रहे हो आपके जो पॉइंट्स हैं <coughs> आप उनको बैक करने के लिए हमें लिंक्स भेजोगे साइंटिफिक रिसर्च भेजोगे ताकि हम जो इस पर नीचे पोस्ट कर दें लेट ऑडियंस डिसाइड बट जो दीपेंदर गोयल का पॉइंट है दीपेंदर गोयल का पॉइंट है वो आई थिंक ही हैड अ वेलिड पॉइंट एनामस्किंग यू अगैन एंड यू कैन क्रॉस क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि भाई गलत है या सही है अरे उनका जो पॉइंट एटलीस्ट जो पिच में लगा जो हमने देखा टी वी जो हमने पिच आपकी पिच पर देखा उसमें ये था कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हो हेल्दी तो दुनिया अज्यूम करती है कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है अगर आपने हेल्दी लिखा हुआ कहीं पर भी मैं भी अगर एक नॉर्मल कस्टमर हूँ मैं डी मार्ट जाता हूँ या मैं अमेज़ोन पे जाता हूँ या मैं नॉर्मल किराने की दुकान पे जाता हूँ वहाँ पे चार प्रोडक्ट्स पड़े चार में से उठाता हूँ और मैं देखता हूँ वाह अरे ये तो हेल्दी प्रोडक्ट है तो मैं उठा लेता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल पर अब ये नया फूड फार्मा के बाद नया स्टार्ट हो गया कि पीछे मुड़ के सारे इन्ग्रीडियंट्स देखो फर्स्ट थ्री इन्ग्रीडियंट्स क्या होते हैं बट लार्जली ऑडियंस तो यही देखती है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट आगे सामने क्या लिखा हुआ है

आपका प्रोडक्ट हेल्दी है आपके प्रोडक्ट्स खाओगे तो अच्छा जियोगे सटल वे में आप ये बताना चाह रहे हो ये तो आपको ग्रीन नॉर्ड है लाइक दिस इज वॉट योर टैगलाइन है और रहे? मेरे प्रोडक्ट्स हेल्दी है आप ये कैटेगरी में आप जाओ वी आर द ओनली ब्रांड हु टॉक्स अबाउट द हेल्थ ओके आप ग्रेनोला में कोई भी शेल्फ में से कोई भी प्रोडक्ट उठा लो टॉप थ्री ब्रांड्स का उठा लो और मेरा प्रोडक्ट उठाओ आप वी आर द ओनली ब्रांड जो हेल्थ के बारे में बात कर रही है ये कैटेगरी में ये प्रोडक्ट में ओके नाव प्री बाइटिंग प्री बाइटिंग डट्री फाइबर कोई नहीं देता ओके लोएस्ट एडेड शुगर ग्रेनोला में लोएस्ट एडेड शुगर विच इज़ जस्ट ओनली फोर पॉइंट टू ग्राम फॉर हंड्रेड ग्राम्स सो पर सर्विंग जस्ट वन पॉइंट फाइव ग्राम विच इज लेस देन अ टेबल स्पून आप दूसरे ब्रांड से उठा लो टॉप ब्रांड्स में बोल रहा हूँ तीन ब्रांड कोई भी उठा लो आप बराबर है अठारह से उन्नीस Gram is the added sugar. कितना? से ग्राम। मैं मान लिया कि आप उनसे अठारह गुना बेटर हो क्योंकि आप बोल रहे हो मैं एक ग्राम शुगर डालता हूँ वो अठारह ग्राम शुगर डालते हैं अग्रीड ऑन पॉइंट दीपिंदर गोयल का भी यही पॉइंट था आई थिंक बट वो बोल रहे थे कि आप ये लिखो ना आप दूसरी ब्रांड से हेल्दी हो आप हंड्रेड हेल्दी नहीं हो इस वॉट आर आस्किंग उनका यह पॉइंट था डू यू थिंक ये सही पॉइंट दिसका ओपिनियन था राइट कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि यार आप ऐसा लिखो आप बोल रहे हो कि शेल्फ पे अगर पांच ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं उन पांच में से मैं हेल्थ सबसे ज्यादा हेल्दी हूँ yes. आप ये बोल रहे हो yes. इसीलिए आपने लाइन लिखी है हेल्दी लिव वेल वो ये बोल रहे थे कि इसी लाइन को आपको लिखना चाहिए था कि मैं बाकी सबसे हेल्दीअर हूँ मैं उन सबसे बेटर हूँ मैं कंप्लीट हेल्दी नहीं हूँ दैट वॉज हिज पॉइंट पर मैंने कहाँ मैं वापस दोहरा रहा हूँ मैंने कहाँ भी ये नहीं लिखा है कि ये हेल्दी है पूरा मेरा सिर्फ टैग लाइन है अब टैग लाइन से उनको प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ टैग लाइन सबकी हर एक ब्रांड की टैग लाइन्स होती है <laughs> बराबर मैं प्रोडक्ट्स मैं हेल्दी बनाऊँगा ओके हमने जो लॉन्च भी अभी हाल ही में किए हैं तो हमने हेल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं नो no एडेड शुगर वाले हाई प्रोटीन्स वाले तो ऑफ कोर्स मैं हमारा टैगलाइन है मेरी ब्रांड है उसकी टैगलाइंस है और मेरे प्रोडक्ट्स उसके उसके हिसाब से आगे बनाऊंगा मैं तो मैंने पैकेट्स पे कोई भी जो भी हमारे क्लेम्स किए गए हुए हैं या न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है या इंग्रेडिएंट लिस्ट है, है या जो फ्रंट ऑफ द पैक में जो है वो एफ गाइडलाइंस के मुताबिक है कम्प्लाइंस के मुताबिक है द इज़ नथिंग नॉट अ सिंगल वर्ड विच इज़ बिन मिसलीडिंग ये उन्होंने जो शब्द यूज किया दैट इज़ वाइज पर्सनल ओपिनियन गॉट इट आई मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ है ओके बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ जो शूट होता है वो दिखाया नहीं जा सकता है ओके okay, जो हमारा भी अनुपम का या नमिता जी का विनिता का जो हमारा कन्वर्जेशन था हेल्दी डिस्कशन था वेरी हेल्दी ओके वो पूरा एडिट हो गया है ओके और हेल्दी डिस्कशन इज़ फाइन ऑलवेज वेलकम्ड ओके तब मज़ा आती है बट जहाँ अननेसे क्रिटिसाइज होता है ना वो वो गलत है वो गलत है हाफ नॉलेज से आपने अनने से ओके आई रिस्पेक्टेड दैम ओके दे आर शार्क्स चेयर की रिस्पेक्ट दी बड़े हैं मेरे से दैट डजेंट मीन कि आप कुछ भी बोल दो राइट ही हैज़ टू बी रीजनेबल इट वॉज वेरी अनफेयर अल्टीमेटली आप मैं दो महीने सोया नहीं पता है नींद नहीं आई है आज कोई भी बंदा ऐसा बोल दे हेल्थ के नाम पे झूठ मत बोलो यार आप चार से पाँच साल मेहनत कर रहे हो इतनी बड़ी आप कुछ बिल्ड कर रहे हो और कोई ऐसे ही विदाउट नॉलेज आप कोई भी बता दे कि आप ये कर रहे हो इट हर्ट्स राइट पूरा डिमोटिवेट हो गया था मैं और जब गलत है सी आई आई अग्री विथ योर सेंटिमेंट्स एंड आई अग्री विथ वॉट योर सेग और मैं ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो मेरी एक ब्रांड है जो बाकी प्रोडक्ट से हेल्दी है उसमें पचास प्रोडक्ट्स आते हैं उन पचास में से मेरे दस प्रोडक्ट जो टॉप लेवल हेल्दी हैं जिसमें कोई शुगर नहीं है एकदम बेस्ट है आप खा लो सब अच्छा है उसमें से 20-30 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो थोड़े बाकी ऑप्शन से बेटर हैं उसमें से पांच सात प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो लोगों को टेस्ट बहाने के लिए अच्छा बहाने के लिए मैंने बनाया तो ये ओवरऑल एक मेरी ब्रांड है जो थोड़ा हेल्दी लाइफ की तरफ है उसमें मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है इसीलिए मेरी प्रोडक्ट मेरी जो ब्रांड है उसका टैगलाइन है ईट हेल्दी लिव वेल तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स के लिए और उन्होंने ये चीज़ पकड़ के एक ही प्रोडक्ट पे बोल दिया जो प्रोडक्ट जिस जो प्रोडक्ट हेल्दी ईयर था जो कंप्लीट हेल्दी नहीं था उस प्रोडक्ट पे उन्होंने बोला कि यार ये हेल्दी नहीं है उन्होंने क्लेम बोला हुआ उन्होंने क्लेम तो उन्होंने बस ये बोला कि आपकी टैगलाइन जो है जो आप पचास प्रोडक्ट यूज करें वो क्लेम है आई गेट दैट उस पिच में ना ये क्लियर नहीं आया काफी एडिट हो जाता है ना सब नहीं नहीं दिखाया जाता है दैट्स अ प्रॉब्लम वो मेरे हाथ में होता उस पिच को देख के तो लगा कि दीपिंदर के लगा कि दूर से ऐसा लग रहा था आपने आपके पैकेट पे ऐसा लिख दिया है और ईट हेल्दी लिव वेल आप क्लेम कर रहे हो कि हेल्दी है ये और कोई भी एक नॉर्मल इंसान है वो उठा के देखेगा मतलब मैं मेरा फर्स्ट ओपिनियन जब मैंने वो पिच देखी एंड आई एम श्योर कि हज़ारों और लोगों का भी ओपिनियन होगा अग्रीड कि जिस तरीके से आ, थोड़ा सा बैकलेश आया दैट वॉज़ रॉन्ग क्योंकि और भी दूसरे प्रोडक्ट्स है और yes. भी दूसरी पिचेस हैं इन शार्क टैंक जिन सबके साथ सेम इन्ग्रीडियंट्स पे उनको बाईपास कर दिया उन पर कोई बरसा नहीं आप पे बरस गए सो so, वो कॉमेंट्स में विजिबल था सब लोगों ने सपोर्ट किया बट उस पिच में ये लगा कि जैसे मैगी लिख दे था ना टेस्ट भी हेल्थ भी तो मतलब वो हेल्दी हो गया क्या बट लोगों को तो लगता था हेल्दी है क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं मानता था कि मैगी हेल्दी अंटिल मेरे को जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं आई चार से पाँच साल पहले कि यार पीछे पड़ के हमको देखना चाहिए इंग्रेडिएंट तब तक तो मुझे लगता था कि मैगी हेल्दी है राइट दिस इज़

इन मोस्ट केसेस कंज्यूमर को समझ नहीं आता कंज्यूमर एक लिस्ट लेके आया है सुपर मार्केट में उसको पंद्रह प्रोडक्ट चाहिए उसमें से एक आपका दिख गया हेल्दी ले लो उसने इतना दिमाग नहीं लगाया तो ये उसके साथ कस्टमर के साथ चीटिंग होगी सही बात ऐसा उन्होंने बोला और वो एक चौदह मिनट में मुझे ऐसा लगा पर्सनली और उन्होंने बोला पर अब अन... आप जो बता रहे हो इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्जेशन एंड वेरी डिफरेंट टेक ऑन वॉट यूर ट्राइंग टू कम्युनिकेट कमिकेट्रीड फिर भी आई टेल यू हमने कोई भी शख्स को क्रिटिसाइज नहीं किया है दैट वॉज़ माई वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स टू माई टीम कि हम किसी शख्स को नहीं करेंगे हम अपना काम करेंगे हम अपने कंज्यूमर्स को फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस ही पास करेंगे ओके एंड दैट्स हाउ वी ग्रो ओके सेकेंड थिंग वी टुक अनुपम्स पॉइंट पॉजिटिवली आप बोलोगे क्यों हमने सीरियसली इसको पॉजिटिव लिया कि अनुपम ने हमारा काम कर दिया कैसे बिकॉज हम तीन साल से चिल्ला रहे थे मार्केटिंग में प्री बायोटिक प्री बायोटिक प्री बायोटिक ऑलिगो फूड किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या होता है आज एक क्वेश्चन उठाया नेशनल टेलीविजन पे और आज आधे इंडिया को पता चल गया कि आज एफ क्या होता है प्री क्या होता है सो इनफैक्ट आई थैंक अनुपम फॉर टेकिंग दिस पॉइंट कि इसका आपने क्रिटिसाइज़ किया ये टम तो, का और वी गॉट अ बेनिफिट टॉक अबाउट एंड एजुकेट आर कंज्यूमर्स कि एक्चुअली ये इंग्रेडिएंट होता क्या है एक बात बताओ सेल्स बड़ी काफ़ी बड़ी क्योंकि जितने लोग शार्क टैंक पे जाते हैं जैसे आई रिमेंबर मून शाइन अरबन मंखी इन की सेल्स बहुत दबा के बड़ी थी आफ्टर शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ था आपकी सेल्स में फर्क पड़ा मेरा डे स्पाइक सेक्स इलेवन एक्स मतलब एक करोड़ बेचते हो तो ग्यारह करोड़ हो गया एग्जाम्पल ऑन वेबसाइट्स ऑनलाइन में ओके okay. सेल्स हाँ, फिर एक वीक का डेटा इज एट एक्स स्टेबल सो दिस वॉट यू वॉन्ट इट वर्क्स चला चलाड एटी परसेंट हैप्पी ओनली द लास्ट सेंटेंस विच अनुपम सेज सेट दैट वॉज वेरी अनरिजनेबल एंड इट स्टिल हर्टिंग आई डोंट नो अब उसको कैसे मैं टैकल करूंगा बट इट्स माई नेचर कि कोई मेरे को ब्लैक स्पॉट डाले वो अच्छा नहीं लगता है क्या फीलिंग है काफ़ी ख़राब काफ़ी सैड हुआ था सो नहीं पा रहा तभी शूट के टाइम भी, भी नहीं सो पाया था और एयर होने के बाद भी नहीं सो पाया वो एंड इट इट आज भी इट इज टेकिंग टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस व्हाट वाज़ द लाइन मतलब जो के बारे में झूठ मत बोलो दैट वाज़ वेरी अनरीजनेबल वेरी अनरिजनेबल आई आई होप ही वॉज लिटल बिट रिजनेबल टू वॉट ही साइड मजा बुरा लगता है जब कोई बंदा एक अच्छी प्रोडक्ट इंडियन कंपनी ला रखती है जॉइस के सामने और ऐसा क्रिटिसम मिलता है आई नेवर एक्सपेक्टेड कभी ऐसा लगता है यार तो फिर अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स बनाओ ना क्यों कर रहे हो काफ़ी ब्रांड्स से आकर मुझे बोलना पता कि भाई आप क्यों इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ला रहे हो क्यों इतना एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो इंडियन मार्केट प्राइस कॉन्शियस मार्केट है आप अफोर्डेबिलिटी पर कर काम करो प्रोडक्ट्स पर मत बनाओ बट आई वॉन्टेड टू गिव इंडिया अ बेटर प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ क्रिटिसिजम दैट्स दैट्स सैड बट नवर द लेस आई विल कीप ऑन वर्किंग मैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देते जाऊँगा इंडिया को और मेरी ब्रांड को मैं आगे ले जाऊँगा एंड देट वीज़ एंड टू मी दैट वॉज एक्साइटिंग क्योंकि मैं भी यही करता था कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं अपना काम करता रहूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है अगर मैंने गलत किया है कुछ तो मैं अपॉलॉजी भी करूँगा कि सॉरी मुझसे ये गलती हो गई मुझे शायद नहीं पता था मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा लेकिन अगर मैंने गलत नहीं किया है तो जो मेरे लिए आज जैसा दिन है वही मेरे लिए कल होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या हो रहा है वो एक बंदे का ओपिनियन था करूँ के अनुपम जी मेरे को बोल सकते पथिक टेररिस्ट है तो मैं टेरिस्ट हो गया क्या इट्स अ ओपिनियन इट्स अ पर्सनल ओपिनियन एक बंदे का हां टीवी पे एक, एक स्टेटमेंट जोर से बोलने से कोई बड़ा नहीं हो सकता रियालिटी नहीं हो जाती हाँ राइट ओके मूविंग फॉरवर्ड आई हैव फ्यू क्वेश्चन ऑन द बिजनेस वेस्टर्न ब्रेकफेस्ट ग्रनोला ओट्स इन सबको प्रमोट क्यों कर रहे हो इंडिया में जब इंडिया का मेजॉरिटी जो ब्रेकफास्ट है जैसे इडली पोहा पराठा ये सब होता है एंड लार्जली अगर इंडियन ब्रेकफास्ट देखें तो वो इडली उपमा पोहा ये हेल्दी ही है ऑफकोर्स तो जब ये ऑलरेडी इंडियंस खाते हैं तो डू यू थिंक एक नई हैबिट पुश करना या नया वेस्टर्न ब्रेकफास्ट पुश करना इज़ हेल्दी और इज़ इट जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि लोग का सब टाइम नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी इसलिए बना देता हूँ कन्वीनियंस इट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लोग आज कन्वीनियंस देख रहे हैं ऑन द द ऑन दिन स्नैकिंग ढूंढ रहे हैं लोगों के पास टाइम नहीं है एंड इट्स अल्टरनेटिव इट्स अल्टरनेटिव टू दोज ब्रेकफास्ट जहाँ पर आपको एक क्विक ऑप्शन मिल रहे हैं ओके और आज देखो जेंजिस वर्किंग वूमेंस और वो वर्किंग कपल्स कॉलेज गोइंग हॉस्टल में जो रहते हैं उनके पास टाइम नहीं है खाना बनाना या ब्रेकफास्ट बनाना so these are all the options which is a uh, alternative to this what our traditional breakfast is idli upma ya samjho aap और पंहा uh, uska alternatives hai और whole grains is getting popular nowadays oats ek काफी hmm. healthy grains में माना जाता है और इसकी popularity काफी आ रही है तो definitely एक alternatives को हम इसको promote कर रहे हैं India में and इसका market बढ़ा है इंडिया में भी काफी बड़ा बढ़ रहा है डू यू थिंक इंडिया में लोग खाएंगे लार्ज स्केल पे बहुत पचपन सौ करोड़ का मार्केट हो गया अभी जो पहले चार साल पहले करोड़ का, का लोग खा ओट्स नहीं, 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 खा रहे रहे हैं नहीं, हैं नहीं, टोटल ब्रेकफास्ट सीरियल उस, उसमें हॉट सीरियल्स और कोल्ड सीरियल्स का बाइफर्केशन होता है क्या क्या होते हैं दोनों हॉट सीरियल्स में आपका ओट्स आ गया पोरिज आ गया जिसका पका के खाना है गर्म ओके और कोल्ड सीरियल्स में आपका आ गया फ्लेक्स कॉनफ्लिकेक्स हो गया या चाकोस हो गया या म्यूजिली हो गया या गनोला हो गया वो बैलेंस रहा है उसमें से हॉट सीरियल का मार्केट करीबन अठार अट्रा, अठारह से उन्नीस करोड़ का है हॉट सीरियल्स का बाकी तीन हज़ार करोड़ से ज़्यादा का मार्के तीन हज़ार करोड़ का मार्केट है आपका कॉनफ्लैक्स जो सबसे ज़्यादा होता है फ्लैक्स और चाकोस का फॉलोड बाई म्यूजिली और ग्रनोला म्यूजिली और ग्रनोला मिला के ग्यारह सौ करोड़ का मार्केट है एंड इट्स ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट ट्वेल्व परसेंट सी इंडिया में और ओथ सबसे फास्ट ग्रो हो रहा है रियली really? यस yes. म्यूस्ली और ग्रेनोला 1200 करोड़ से ज़्यादा बिकता है इंडिया में यस yes. बारह सौ करोड़ का मार्केट है अभी एंड इट्स गो नाट ग्रो 12 परसेंट एन्यली सी ए आर एंड मार्केट मतलब 1200 करोड़ की साल की एनुअल सेल्स होगी ना टोटल पूरी इंडस्ट्री में हर ब्रांड मिला yes. राइट और ग्रेनोला हमको ऐसा लगता है ग्रेनोला विल नॉट टेक मच टाइम जितना टाइम म्यूजली को मेचोर होने में टाइम लगा म्यूजली की अवेयरनेस नहीं थी पाँच साल पहले बाकी okay, आप देखो दो हज़ार सत्रह अठारह उन्नीस में म्यूजली कम कम बिकता था लोगों को पता भी नहीं था हुँ. आज म्यूजी हर एक बंदे को पता है कि क्या म्यूज़ली होती है सो so, ग्रनोला भी ऐसा ही मार्केट होने वाला है ग्रनोला विल नॉट टेक मच टाइम टू डेवलप जितना म्यूजिली को लिया है और ग्रनोला और म्यूजिली का डिफ्रेंस ये है देखो अब बोल रहे हो स्वीटर होता है और लोग काफ़ी बोलेंगे इसमें आप शक्कर क्यों डालते हो हुँ. शुगर शुगर फ्री क्यों नहीं बना सकते हो ग्रनोला का फॉर्मेट ही ऐसा है ग्रेनोला और म्यूजली का डिफरेंस ये है कि म्यूजली आपका ओट्स तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होने वाला है म्यूजली आपका सब फ्लेक्स से बनता है ओके okay, और वो टोस्टेड होता है इट्स नॉट बेक्ड घरनोला आपका ओट्स तो कॉमन हो गया क्रिस्पीज हो गया और उसको बेक किया जाता है और उसका फॉर्मेट है चंक्स ना वो बाइंडिंग के लिए आपको कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा राइट right? तो लोग शुगर यूज़ करते हैं सब बड़ी बड़ी ब्रांड शुगर यूज़ करते हैं और उसके आप फॉर्मेट्स देखो बड़े बड़े चंक्स होंगे बिकॉज वो बाइंडर होता है hmm. हम आज देखो आप कर करें इसको कम यूज़ करना पड़ता है बिकॉज थोड़ा तो बाइंडिंग चाहिएगा और इसको थोड़ा स्वीटनेस भी चाहिए बिकॉज दैट्स अ फॉर्मेट ओके तो इसलिए हमने आज लोवेस्ट एडेड शुगर यूज़ किया था हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ वन पॉइंट फाइव पर सर्विंग गॉट इट मैंने थोड़े टाइम पहले ग्रेनोला फर्स्ट टाइम ट्राई किया था वो मैं ट्रैवल कर रहा था आई थिंक न्यूयॉर्क में था तब मैंने ट्रैवल किया था से कुछ दो साल पहले आई लव इट क्योंकि वो इतना मीठा था इतना टेस्टी था मुझे नहीं पता उसमें शक्कर थी नहीं थी आई डोंट नो बट वो बहुत टेस्टी लग रहा था तो आई अज्यूम कि उसमें शक्कर भर के होगी इसी की वजह से एंड इसकी वजह से मैंने कभी ग्रनोला आगे खाया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि इतना मीठा इतना टेस्टी एक बार खाया मैंने तीन चार पीसेस खा लिए रुकते नहीं बंद रहा सो इट्स बेटर आई अवॉइडिट है अब आप भी बोल रहे हो कि कुछ परसेंट तो उसमें बाइंडिंग के लिए शक्कर होती ही है तो फिर क्यों मैं ग्र गनोला खाऊँ क्यों मैं वेस्टर्न ब्रेकफेस्ट खाऊँ क्यों ना मैं इंडियन ब्रेकफेस्ट ही खाते रहूँ जहाँ पर जिसमें शक्कर है ही नहीं सेकेंडली ग्रेनोला प्रोडक्ट को पोजिशन नहीं किया जाता है ब्रेकफास्ट सीरियल में इट इस पोजिशन एज अ स्नैकिंग ओके आप इसको स्नैक की तरह खा सकते हो कि अगर आपकी स्नैकिंग में आदत हो चॉकलेट खाने की तो उसके ये खा लो आज जेनजी स्नैकिंग भर भर के कर रहा है दे आर रिप्लेसिंग मील्स विद स्नैकिंग या खाने के टाइम पे भी कुछ स्नैकिंग चाहिए उनको ओके जैन ट्राई कर रहा है कि मैं हेल्दी स्नैकिंग करूँ बट इवेंचुअली कंज्यूम जो डेटा है ना वो कुछ और ही कहता है क्या वो सब प्रोडक्ट्स ट्राई कर लेता है सब कुछ खा लेता है बिकॉज स्नैकिंग किससे होता है एक इमोशंस के साथ आता है hmm. आप बोर हो रहे हो तो कुछ खा लिया कुछ इमोशंस के साथ आता है ओके okay? एक इंडलजेंस के साथ आता है एंड यू एंड अप कंज्यूमिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स तो आपके वो आपको स्ट्रेस लेवल कम करेगा या आपका मूड बूस्टर करेगा सो दिस इज काइंड ऑफ स्नैकिंग इंटेलिजेंस हो रहा है आज जन्जी में सो स्नैकिंग इन जैनजी इज इंक्रीजिंग आई से दे आर स्नैकी फाइंग ब्रेकफास्ट देर आर स्नैकी फाइंग ब्रेकफास्ट सो ये जो प्रोडक्ट्स है इट्स नॉट ओनली पोजिशन एज अ ब्रेकफास्ट सीरियल इट्स अ पोजिशन एज अ स्नैक्ट वी आर पोजिशन एज एनी टाइम स्नैकिंग ये आप खाओगे ना ओके आप इसको स्नैक की तरफ भी खा सकते हो आप यूगट के साथ भी खा सकते होज अ स्नैकिंग टॉपिंग ऑन द सेलेड्स टॉपिंग ऑन द आइसक्रीम्स टॉपिंग ऑन द स्मूथीज देर आर मल्टीपल वेज क्या आप इस कंज्यूम कर सकते हो कॉटेड आप करिए शक्कर तो नहीं है इसमें नो एडेड शुगर लेस देन अ टेबल स्पून ऑफ एडेड शुगर तो इसमें नो एडेड शुगर क्यों लिखा है अगर लेस देन टेबल एडेड शुगर है तो नोडो कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है अच्छा लो लिखा हुआ तो लो है ओके है। okay. वो भी निकाल दिया है वो भी बात चर्चा हुई थी हमारी वहाँ पे ओके okay, ये भी कट कर दिया मसाला चाहिए उनको क्लीआर होगी तो मिलेगी यू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज अ टेक्सचर क्रंच देखो आप इसका क्रैनबेरी है क्या इसमें हाँ क्या है तो बहुत क्रिस्पी क्रंची देखो और क्रंच मिल्क आप डाले एक सॉगी नहीं होता है दैट्स द यूएसपी फील यस लेट मी ट्राई आई टेल यू देखो आधे घंटे तक रखोगे तो हो जाएगा नॉर्मल अ पर्सन मैं डालूंगा और हाँ, के खा लूंगा 2 हाँ, मिनट में 2 मिनट नहीं 5 मिनट के 5 मिनट लोग बट नॉर्मल जब खाते हैं ब्रेकफास्ट तब तक ये नहीं जाता अब ये लाया हूं मैं और भी प्रोडक्ट्स टेस्ट तो अच्छा कर रहा है और हमारा एक यूनिक है मैंगो कोकोनट हम्म वो मैं आपके गिफ्ट बॉक्स में लाया हूँ Okay. वो कोई भी ब्रांड्स के पास नहीं है सो फिट एंड फ्लेक्स इनोवेशन के लिए मा, माना जाता है फ्लेवर इनो सर आज कोई भी प्रोडक्ट्स देखोगे आप शेल्फ पे या चॉकलेट मिलेगा या फ्रूट्स मिलेगा ओके फिट एंड फ्लेक्स के पास इनोवेटिव फ्लेवर्स भी है hmm. जैसे बेरीज ये आपने जो खाया वो मिक्स बेरीज सिर्फ बेरीज फिर मिक्स फ्रूट भी है चॉकलेट भी है और मैंगो कोकोनट है मैं मैं कितना खा सकता हूँ कितना हेल्दी है तो मैं इसका पीछे का इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल इन्फो क्लिक करके मैं न्यूट्रेशन इसको भेजूंगा <laughs> और मैं बोलूँगा कि मैं खा खा सकता हूँ कि नहीं कब खा सकता हूँ वो बताएगा बट फॉर द टेस्ट ऑफ इट आई रियली लाइक इट यस सुबह उठते से सबसे पहले शुगर खाना इज इट इज़ इट गुड क्यों ना मैं ग्रेनोला सी आई लाइक द आइडिया ऑफ ग्र मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ और क्यों मैं आपको रोक रहा हूँ उधर आई लाइक द आइडिया कि ये स्नैक है ग्रनोला कि मैं पॉडकास्ट के बीच में बैठा हूँ मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है मुझे कुछ स्नैक करने का मन हो रहा है उसको खा लिया तो एक तो क्रंची है तो मेरी सटाइटी लेवल बेटर करेगा अगर और थोड़ी सी शुगर होगी चलेगा थोड़ा स्पाइक कर दिया दिन में मेरा इंसुलिन लेवल सा गुड तो दो तीन बजे के आसपास मैं खा सकता हूँ आफ्टरनून स्लर से पहले राइट right? बट सुबह उठते से पहली चीज़ फटाक से मैं शुगर ले लिया वो भी प्रोसेस्ड सी एनीथिंग मॉडरेट इज़ फाइन एमेंडेंस में कुछ भी नहीं खाना चाहिए एबेंडेंस में तो आप केला भी खाओगे पंद्रह बीस केला खाए तो इट्स हार्मफुल करेक्ट सो एनीथिंग मॉडरेट इज गुड फॉर यू दैट्स इट अगर आप वन ग्राम खा रहे हो तो ठीक है ठीक है ऑफकोर्स दज नो हार्म उतना बंद भी कर रहे हो ना hmm. आप पूरा दिन काम कर रहे हो कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आप बंद yeah. भी कर रहे हो एंड शुगर आई एम नॉट सी शुगर इज हंड्रेड परसेंट हार्मफुल थोड़ा सा तो बॉडी में शुगर चाहिए आपको उसमें मिल जाए चलो अपने नॉर्मल खाने में नेचुरल्स में मिल भी जाता है राइट नाउ सी थिंग इज कि शुगर कब अवॉइड करें जब आपको डायबिटीज़ है जब डायबिटीज़ आपको है तब आपको ये प्रोसेस शुगर अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसी से आपका ब्लड लेवल स्पाइक होता है आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डायबिटीज़ नहीं है hmm. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आपका स्पाइक नहीं होता है उसका बस इंसुलिन जनरेट होता है आपका क्या सो so, पे पर डायबिटीज़ है ना देन यू शैव टू अवॉइड शुगर हंड्रेड एंड टेन परसेंट शूड अवॉइड बिकॉज इट विल स्पाइक योर ब्लड शुगर एंड एवरीथिंग मॉडरेट इज फाइन एक्सेस में कुछ भी लोगे आप हेल्दी से हेल्दी प्रोडक्ट भी आप ज़्यादा ले लोगे तो इसको ना ये हार्मफुल फॉर अ बॉडी यू हैव अ वैलिड पॉइंट क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे पॉडकास्ट पे एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आए थे जिसने स्टैनफोर्ड से मेडिसिन किया है राइट right. एंड प्रशांत सर वो मुझे बता रहे थे दैट की मेजॉरिटी जो हम कंटेंट सुनते हैं या देखते हैं या डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं या पढ़ते हैं राइट right? उसमें एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि इंसान जो डसीज स्टेट में है और जो इंसान हेल्दी स्टेट में उन दोनों के लिए पूरी गाइडलाइंस ऑफ न्यूट्रिशन विल बी वेरी डिफरेंट और हम वो कंफ्यूज कर जाते हैं एक्सैक्टली exactly. तो जो हेल्दी स्टेट में है उसके लिए

सबसे इम्पॉर्टेंस है सही है कि नहीं बताओ मैं तो अग्री करता हूँ हाँ मैं तो टेस्ट अग्री नहीं करता। होगा तो आप नहीं खाओगे शायद एक बार टेस्ट कर लोगे खा लोगे बट आपका रिपीट नहीं आने वाला है और धंधा बनाना है तो टेस्ट देना पड़ेगा करना पड़ेगा और यही मेरा स्टेटमेंट था शार्क टाइम पे आप देखोगे जब मैं बोल रहा हूँ लास्ट में कि हंड्रेड हेल्दी नहीं बिकता इंडिया में लोगों को शुगर चाहिए टेस्ट स्पाइसी चीज चाहिए उसके आगे का मेरा स्टेटमेंट डिफरेंट था मेरा कहने का मतलब ये था कि इंडिया में टेस्ट इज़ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ओके रादर देन द हेल्थ पीपल आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द हेल्थ बट दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द टेस्ट एंड दैट इज़ अ फैक्ट एंड द फैक्ट इज द सैड फैक्ट इज पीपल टॉक अबाउट हेल्थ बट नो वन वॉन्ट टू स्पेंड ऑन द हेल्थ एंड दैट इज अ रियालिटी रियोलिटी दैट्स रियालिटी आपको लगता है लोगों को अपने आप को हेल्दी करने के लिए पैसे नहीं खर्चा करने करना चाहिए पर नहीं करते यू सी नाइन्टी परसेंट मास इंडिया में मास है टेन परसेंट द पीपल हु आर अपर मिडिल क्लास उसमें से कितने लोग हेल्दी है हेल्दी खाते हैं फॉर एग्जाम्पल और तो, उसमें कितने लोग ग्लूटेन फ्री या वीगन या ऑर्गेनिक है वन नॉट इवन वन परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आप बिजनेस नहीं बना सकते हो वन परसेंट में या फाइव परसेंट में इफ़ यू वांट टू मेक अ बिजनेस यू हैव टू गो मास पर अगर आप बोल रहे हो कि टेस्टी हेल्दी फूड दे दिया तो भी इंडिया स्पेंड नहीं करेगा इफ इट्स अफोर्डेबल यस महंगे में दैट इज वॉट वी आर डूइंग इट फिट डूइंग्लॉट इज वी आर गिविंग अ टेस्ट विद हेल्थ एस्पेक्ट बट स्टिल यू आर लिटिल एक्सपेंसिव राइट यू आर नॉट मैं आज स्नैक करने के लिए मुझे ये दे रहे हो या एक लेस की चिप्स दे रहे हो तो ज्यादा दो तो हाँ, तो मैं course, मतलब स्नैकिंग right? अगर द बिगेस्ट स्नैक अगर देखो तो चिप्स इज द बिगेस्ट स्नैक यस चिप्स अगर आप बोल रहे हो कि आपकी एक स्नैकिंग ब्रांड है एंड इट्स अ अल्दियर ऑप्शन ऑफ स्नैक देन आपका सबसे बड़ा कॉम्प्यूटर लेस ही होना चाहिए राइट इट्स टेक्निकली आपकी फाइट है कि भाई तुम्हें जब भूख लग रही है तो लेस खा के आलू की चिप्स खा के मत खराब करो एक थोड़ा बेटर ऑप्शन खाओ दैट इज ऑट यूर सींग एट लार्ज इफ यू लुक एट कैटेगरी पूरी डिफरेंट है यार मैं क्या, मैं मैं क्या कैटेगरी कैसे डिफरेंट है वो फ्राइड की बात नहीं आपको बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जैसे नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटर है स्लीप नेटफ्लिक्स चाहता नहीं लोक सोए राइट right? सिमिलरली आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटेटर होगा बैड स्नैक्स अनहेल्दी स्नैक्स जैसे बैड स्नैक्स नहीं बोल सकते उनको अनहेल्दी uh, स्नैक्स आपका कॉम्पिटेटर होगा टेक्निकली तो फिर अगर उनसे कम्पीट करना है तो एक्सेसिबिलिटी उतनी करनी पड़ेगी अवेलेबिलिटी उतनी बढ़ानी पड़ेगी सस्ता उतना करना पड़ेगा टेस्टी उतना करना पड़ेगा कितनी चीज़ें लानी पड़ेगी ग्रेड सो वही स्नैकिंग कैटेगरी में भी दर इज़ अ टू पार्ट हेल्दी एंड हेल्दी स्नैकिंग हेल्दी स्नैकिंग इज़ ग्रोइंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू परसेंट सी एज नाउ विच इज़ ह्यूज तो मतलब इंडिया में कर रहे हैं लोग कर रहे हैं लोग काफ़ी सारी ब्रांड्स आ रही है और करती आएगी और ग्रो करने वाला हैल्दी स्नैकिंग लोगों का देखो फ्राई आइटम्स कम चाहिए बड़े सामने आपके सामने फ्राइड रखेंगे हेल्दी रखेंगे, लोग फ्राइड आइटम ही खाएंगे सही बात है कि <laughs> तो फिर कैसे कम चाहिए लोगों को जब खा तो लोग तो किसी अगर है। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो उसी तरीके से अगर आपने लंबे समय पे सॉल्व कर दिया उसको कि मैं टेस्टी भी दे रहा हूँ और मैं बेटर ऑप्शन भी दे रहा हूँ तो यू थिंक पीपल विल मूव ऑन डूइंग डेलमी हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होते हैं इसीलिए लोग नहीं खाते मतलब कंप्लीटली डू यू अग्री विद दिस वन ब्लैंकेट स्टेटमेंट इट कम्स विद अ प्राइस मतलब एक्सपेंसिव होते हैं नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंसिव एंड चीप कंपैरेटिवली हाँ कंपेरिटिवली सौ रुपए वाला चीप बोल रहे हो आप तो सवा सौ रुपये तो इट्स एक्सपेंसिव मैं बोल रहा हूँ मेरे पास आज मेरे को एक ऑफिस में ब्रेक मिला है पंद्रह मिनट का मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ चाय के साथ मुझे कुछ एक हल्का फुल्का स्नैक चाहिए जहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन हैं ठीक है ठीके? या तो मेरे पास है मान लो बीस रुपये ठीक अब बीस रुपये में मेरे पास तीन ऑप्शन है या तो मैं लेस का पैकेट उठा सकता हूँ या मैं एक लोकल वेंडर से नीचे भेलपुरी खरीद सकता हूँ वड़ा पाव खा सकता हूँ राइट या मैं तीसरा ऑप्शन है कुछ हेल्दी ढूँढू तो हेल्दी में बीस रुपये में क्या है मेरे पास फिट एंड फ्लैक्स है ना बीस रुपये yes, हमने जो मल्टीग्रेन मिक्सचर जो लॉन्च किए ओट बेस्ड वाले काफ़ी यूनिक है ओके इट्स इट्स अ ग्रनोरा बेजी है उसको हमने स्पाइसी वर्जन में कर दिया मसाला वर्जन में नाउ मेरे को भी इसको दस रुपये में लॉन्च करना था बिकॉज पाँच पाँच रुपये और दस रुपये इज द हाइस्ट सेलिंग प्राइस पॉइंट पर चलता ही है हाँ, पर नहीं कर पाते हो बिकॉज आपके पास ओट्स है अंदर मल्टीग्रेनस है राइस पफ्स है पम्पकिन सीड्स है आलमंड्स है एंड इट्स इट्स बेक्ड इट्स नॉट फ्राइड राइट सो so, वो प्राइस पर नहीं रहा तो मैं ट्वेंटी रुपीज़ पर लाया हूँ नाउ टेन रुपीज़ if इफ़ it's इट्स योर परसेप्शन कि मेरे को दस रुपये वाला पोटेटो चिप्स खाना है फ्राइड वाला या ट्वेंटी रुपीज़ वाला बेग खाना है ना उसको आप एक्सपेंसिव बोलोगे दैट्स दैट्स योर कॉल बट इट इज़ एक्सपेंसिव ना डबल प्राइस हो जाएगा हो सकता है बट आई आई फॉर समी जो कम कमाता है जिसको हर पैसे पैसे जोड़ के सेव कर रहे उसके लिए तो सारे ऑप्शन कॉम्प्रोमाइजिंग

डिपेंस आप क्या चूज करते हो मैं भी खाता हूँ hmm. सब सैंडविच मैं भी खाता हूँ ओके okay. एक ब्रेड है ब्रेड के के अंदर मैंने दो पैटी है, पैटी के अंदर दो पैटी है, वेजिटेबल्स हैं हैं क्या है। मैं पैटी नहीं डालता हूँ मैं वेजिटेबल्स डालता हूँ सिर्फ और सॉसेज में मैं सिर्फ एक लाइन ही डालता हूँ देट वॉज नथिंग ओके जस्ट उसका वो स्पाइसी वाला जो आता है पेपर वाला रेड चिली वो डालता हूँ खत्म बात जस्ट फॉर टेस्ट सो अगेन टेस्ट तो आया ही टेस्ट तो है ही इम्पोर्टेंस अपने पास और कोई पैटी नहीं नो पैटी ओनली वेजिटेबल्स एंड ब्रेड मेरे लिए वो हेल्दी ऑप्शन है मतलब घास और ब्रेड के ऊपर आप ब्रेड चिली डाल हाँ एक लाइन ही मेरे फ्रेंड्स मैंने देखे हुए जो सिर्फ सैलड बॉल्स भी खाते हैं उसमें या कुछ भी नहीं सॉसेज नहीं डालते सिर्फ वेजिटेबल सॉल्ट पेपर एंड द ब्रेड फॉर मी हेल्दी अगेन चलो इट डिपेंड्स वॉट यू वॉन्ट टू ईट एंड वाई यू वॉन्ट टू ईट मतलब उनके पास हेल्दी ऑप्शन हैं है हाँ उसमें आप पैटी डाल दो तो थोड़ा कम हेल्दी हो गया बट इवेंचुअली आपको सेटिस्फाई हुआ कि हाँ मैंने आज सब खाया राइट right? उसमें वेजिटेबल्स थे इतने सारे मैंने सेलेड खा लिया बट दैट्स यू सेटिस्फाइंग योर सेटिसफाई योर ईगो डैट्स एट पैटी के सॉसेस के ख़त्म है वो मैं भी काफ़ी खाता हूँ सब भी खा लेता हूँ जब टाइम नहीं होता तो एल सी वॉट ऑप्शन का जो क्या है कुछ नहीं मिलता अच्छा तो मैं सब भी खा लेता हूँ वॉट्स द वर्स्ट एंड द मोस्ट अनहेल्दी फूड क्या लगता है जलेबिया जले <laughs> 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 मत बोलो यार अभी लास्ट पॉडकास्ट में एक डॉक्टर बोल के गई है अच्छा जलेबी भी सबसे बेकार है सिर्फ शुगर है उसमें सिर्फ फ्राइड और सिरप शुगर और कुछ भी नहीं है फिर भी खाता है मत बोलो मुझे बहुत पसंद है आई लव इट आई ऑल्सो लव इट आई ऑल्सो कंज्यूम इट बट मॉडरेट इज द की हाँ मॉडरेट में खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आज पाँच समोसे खा जाऊंगा तो कैलोरी ऑलमोस्ट तीन हज़ार तो होगी वहाँ पे बॉस <laughs> फिर आप बोलोगे यार अभी तो रात का खाना भी बाकी है लंच भी बाकी है ये भी बाकी है तो ख़त्म बात आप खाओ ना समोसा खाओ महीने में एक बार खाओ मज़े से खाओ महीने में एक बार हाँ मैं खाता हूँ महीने में एक बार खा लेता तो। हूँ कभी कभी दो महीने भी हो जाते हैं इट्स अबाउट मेकिंग अ राइट चॉइस आई 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 थिंक थिंक अल्टीमेटली लाइक प्रिंसिपल दैट सेंस कि आप अगर सौ बार खाना खाते हो तो अस्सी टाइम ट्राई करो क्लीन खाने का बीस टाइम ठीक है आप इधर उधर कर सकते हो इट्स फाइन लाइक आई आई लाइक दैट ए टी ट्वेंटी एटी परसेंट डाइट अगर आप अच्छी रखोगे तो इट्स गुड गुड एंड माई कोच इट्स सेल्फ ही इज़ अ फॉम बिलीवर ऑफ ए टी ट्वेंटी उसने बुक भी लिखी ए टी ट्वेंटी एंडोरेंस और मैंने जब उसके पास बोला कि डाइट में क्या करना चाहिए तो उसने मेरे को एक उसकी एडिटोरियल भेज दी hmm. कौन पढ़ेगा यार मैंने उसे शॉर्ट में एक प्रेफरेंस में पढ़ लिया ए टी ट्वेंटी रूल <laughs> मेरा न्यूट्रिशन भी 80 न्यूट्रीशन okay. एटीन है और उससे वो रनर्स के साथ रह रह के आया हुआ है दो महीना रनर्स कैनियंस के साथ रह के आया वो क्या खाते हैं ओके हाउ दे व्हाट इज दर ईटिंग पैटर्न्स तो सेम चीज़ अस्सी टका अच्छा खाता है बीस टका में फ्राई भी आ गया बर्गर्स भी आ गए पिज्ज़ाज भी आ गए सब कुछ आ गया एंड देट इज़ वॉट इज सस्टेनेबल अल्टीमेटली बराबर मैं आज हेल्दी खाते सैलड्स पे सैलि खाते रहूँगा एक महीने के बाद मैं एक महीने क्या एक हफ्ते में अब बोर हो जाओगे यार तो ये क्या चला एक हफ्ता मैंने खाली है कुछ लाना है, एक बार एक दे देखिए चल जाएगा सो इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी कितना लॉन्ग आप इसको सस्टेन कर सकते हो फॉर मी सस्टेन इज नॉट अ वन ईयर आई से इट्स अ लाइफ लॉन्ग कि कितना सस्टेन कर सकते हो एंड अल्टीमेटली इट्स अ बैलेंसिंग आउट ओके आई वन आज लास्ट टू थ्री क्वेश्चन ऑन बिजनेस हम पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले डी की बात कर रहे थे राइट तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है क्योंकि डी मार्ट इंडिया के लिए ऑलमोस्ट वॉलमार्ट जितना बड़ा है राइट right? एंड uh, जो एक एफ ब्रांड ने सही तरीके से डी जैसा बड़ा रिटेलर कर क्रैक कर लिया नेशनल नेशन वाइड तो वो ब्रांड तेज़ी से ग्रो हो जाता है उसको फिर ये सोचना है कि मैं किस तरीके से सप्लाई बढ़ाऊँ क्योंकि डिमांड तो अन, अनलिमिटेड मिलने वाली है दिस इज़ द लार्जर नैरेटिव ऐसा लोगों को लगता है और ऐसा होता भी है बहुत ब्रांड्स के साथ तो डीमार्ट कैसे क्रैक करा आप अपने अभी किया ना क्रैक अभी तक क्रैक तो नहीं किया है ओके बट हम चार साल से उसके पीछे हम पढ़े थे कोर्स। चार साल से चार साल से और फाइनली उनको पता भी है ये ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में भी है बिकती भी है बट स्टिल इट इज़ नॉट इजी टू गेट लिस्टेड ऑन इन डी मार्ट ओके okay? हाल ही में मीटिंग करके आया हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग रही बट इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट द प्राइजिंग बट एक चीज़ हमको एज एज अनर समझना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका वॉल्यूम गेम है वहाँ वॉल्यूम गेम खेल रहे हो आप नीच नहीं खेल रहे हो बराबर तो वॉल्यूम के लिए आपको कुछ घुमाना भी पड़ेगा आपको थोड़ा सस्ता भी देना पड़ेगा एंड यू आर टू सी वॉट प्रोडक्ट्स क्या प्रोडक्ट्स चलेंगे डीमार्ट में ओके okay? ग्रेन जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट ले जाऊँगा मैं तो शायद नहीं होगा क्या चलेगा फिर वहाँ पर कमोडाइज प्रोडक्ट्स जो है जो ऑलरेडी मैच्योर्ड है जो बिकती है लोगों को पता है लोग वहाँ से ले रहे हैं प्रोडक्ट वहाँ पर चलेगी Conflakes है म्यूजली है नमकीन है कोई भी स्नैकिंग स्नैकिंग प्रोडक्ट तो ऐसे ही बिकते हैं इंडिया में राइट तो ये सब प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहले चलेगी जैसे मेरी मिनी बाइट्स है विच आर वेरी यूनिक बराबर वो मार्कन स्पेंसर टेस्को सिंस मेरी यूके की फॉर्मेट है वो इंडिया में हमने ही लॉन्च की है इट्स अ ग्रनोला कोटेड विथ चॉकलेट्स ग्रनोला कोटेड विद योग इट्स अ इंडेलजेंट प्रोडक्ट दस नो हेल्थ क्रीम बट यूनिक फॉर्मेट उनको बहुत पसंद आया उन्होंने क्या बोला पता है पर यार ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से वॉल्यूम में नहीं बिकेगी आपने पाँच महीने आप एक साल के बाद आओ देन विल सी ओके टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग आई हैव लास्ट टू क्वेश्चन फर्स्ट इज़ जैसे नमिता ने भी आपको पॉडकास्ट पे सॉरी uh, मैं पॉडकास्ट बोल देता हूँ बार बार बट नमिता ने भी आपको शार्क टैंक के एपिसोड में बोला कि आप मार्केटिंग में बहुत कम स्पेंड करते हो क्यों ऐसा सो so, वो जो पीरियड था हमने थोड़ा बैक स्टेप लिया था बिकॉज स्टार्टिंग में हमने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव किया था एंड फिर मैं सोचा कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट गेम बिकॉज तभी बर्निंग्स होता है राइट मार्केटिंग स्पेंस इज़ नॉट छोटे तो हमने बोला कि बर्निंग इज़ नॉट द गेम यू डोट नोट प्ले विल बी प्रॉफिटेबल गेम्स ओके और थोड़ा बैक स्टेप किया कि जहाँ हमारा मार्केटिंग स्पेंस है इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं बिकॉज हमने काफ़ी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की हुई है प्रमोटर एक्टिविटीज़ की है ऑफलाइन चैनल्स में ओके हमने ऑनलाइन थोड़ा कम खर्चा किया है ऑनलाइन कम किया है फिर हमने मैराथन स्पॉन्सर्स की है सैम्पलिंग पे बहुत किया बिकॉज सैम्पलिंग इज आई कैन नॉट कम्पीट कैलॉग फ्राम द टॉप आई टू कम्पीट दैम फ्रॉम द बॉटम बिकॉज दोज आर डीप पॉकेट्स तो मेरे को उसको नीचे से ही करना पड़ेगा विथ इज सैंपलिंग कोई भी बंदा खाएगा एक बार तो उसको पसंद आएगा तो दूसरी बार लेने वाला है ही विल शिफ्ट इट ज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके तो हमने उस पर बहुत फोकस किया है तो स्टार्टिंग में आपने छोटे छोटे चैनल्स पे सैम्पलिंग करके ऑनलाइन ऑनलाइन में भी किया आज की तारीख में सेल्स का सेल्स का अभी बढ़ जाता है शार्क टैंक के बाद बिकॉज उनका लेवरेज रहना पड़ता है ऑफकोर्स दिस इज प्लेटफॉर्म टू यूज इट तो अभी हमारा फ्रेंड्स ये चला जाता है बीस टका के ऊपर सो so तीन टका हो तो अच्छा जाता है और अभी भी रहेगा और तीन चार महीना और रहेगा लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आप सबसे सही इंसान होगे इस बात को आंसर करने के लिए कि शार्क टैंक पे जो जाता है जो भी इंसान अब जाना चाहता है जो भी स्टार्टअप जा रहा है उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे फर्स्ट इसको आप नॉर्मल टीवी शो की तरह ट्रीट कीजिए ओके ओके एंड सेकंड यू हैव टू बी स्ट्रांग टू फेस द शाक्स एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर दैट क्रिटिसिज्म तो आएगा ओके एंड यू नीड टू आर्ग यू नीड टू पुट योर पॉइंट जो मेरे केस में मैंने नहीं किया बिकॉज आई थॉट दे यू के आई वॉन्टेड टू बी काम पोलाइट एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी बट ऑन द अदर साइड जो एक चीज़ मैंने मिस की मेरे को लगता है गॉन लिटल बिट एग्रेसिव इन माई रिस्पॉन्स तो यू आर टू बी स्ट्रांग टू रिप्लाई दैम सो पहले से प्रिपेयर करके जाओ क्या स्ट्रोंग पॉइंट्स होंगे और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग होकर उनको

वेल वी आर होपिंग कि वो डिफरेंट फेज जल्दी आए और देखें लोग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्रांड थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम स्पेंड किया काफ़ी मज़ा आया मुझे एंड ऑल द बेस्ट कि ये ब्रांड बड़ा बने और आप जिस जर्नी पे हो पर्सनली एंड प्रोफेशनली पर्सनली कि आप मैराथन रनर बनो और एलिट में पहुँच जाओ एंडस <laughs> प्रोफेशनली uh, कि ये ब्रांड इंडिया में काफ़ी आगे तक जाए और इंडिया की स्नैकिंग हैबिट्स को अनहेल्दी से आप हेल्दी कर पाओ थैंक यू सो मच राजेंगे थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज्यादा वैल्यूबल कंटेंट बना पाए अल सी यू नेक्स्ट टाइम ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड जाने से पहले डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब अल सी यू नेक्स्ट टाइम Until then, keep figuring out.